यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम में आप सबको सलाम। दोस्तों, हमारे लिए आज की इस वीडियो में क्रिसमस के ताल्लुक से हमारी वीडियो पे किए गए एक कमेंट्स का जवाब हम सुनेंगे। क्रिसमस के ताल्लुक से बनाई गई पादी शर्जील मुनव्वर साहब की एक वीडियो, जिसमें उन्होंने जाकिर अनायत के एक सवाल का जवाब दिया। उसी जवाब को सुनते हुए हमारे मुस्लिम भाई ने एक सवाल किया। मुस्लिम जी कहते हैं कि मैरी क्रिसमस का मतलब है खुदा ने अपना बेटा जना, जो कि गलत है, क्योंकि खुदा का कोई बेटा नहीं है, मसीही खुदा के प्रॉफिट है, यही मुस्लिम का ईमान है। ये सवाल न सिर्फ पादरी शर्जील मुनव्वर साहब की वीडियो में किया गया है, बल्कि आज ये सवाल बहुत सारे मसीहियों से किया जाता है। इसी सिलसिले में हमने अपनी ये वीडियो बनाई ताकि हम इसका जवाब दे सकें, और वो मसीही लोग जो इसका जवाब देना चाहते हैं, आज उनके लिए मौका होगा कि हम पादरी शर्जील मुनव्वर साहब से सीखेंगे कि हम किस तरह से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। गुड इवनिंग पादरी साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। बसब, जब आपसे ये सवाल किया गया तो आपने इसका किस तरह से जवाब देना चाहेंगे हमारे मसीहों को, ताकि जब उनसे ये सवाल किया जाता है तो वो भी इसका अच्छे तरीके से जो है वो जवाब दे सके। सबसे पहले सुनने वालों को आप सबको सलाम, और बेशक क्रिसमस का मौसम गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद एक सवाल ये है और इसके ऊपर बात करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम इस बात को समझ पाए। जो कमेंट हमारे भाई जिनका नाम अब्दुल्ला ब्लोच है, इन्होंने हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट किया, जो जाकिर नायक साहब की एक वीडियो उसका जवाब में वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने नीचे कमेंट किया। हम इनके कमेंट पर दो बातें कर सकते हैं और दो बातों को हम हिस्सों में समझ सकते हैं। तो अगर हम एक ही वीडियो के ऊपर दोनों बातें कहें तो ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर दो वीडियोस बनाएं। सबसे पहले बात जो है ना वो करनी जरूरी है, वो ये है कि मैरी क्रिसमस की बात है। दूसरी बात ये है जो है खुदा के बेटे पे, खुदा के बेटे के ताल्लुक से एक और वीडियो बनाई जाएगी, उसके ऊपर हम तफसील के साथ देखेंगे कि क्या बाइबल का तसव्वुर है, किस तरह से खुदा का बेटा बाइबल हमें सिखाती है, तो ये उसके ऊपर हम सिखाएंगे। लेकिन जो आज की जो वीडियो है या जिस पे बात है, वो पहले हिस्से के ऊपर आते हैं। अब्दुल्ला भाई ने जब सवाल किया तो बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने हमारी खुद मदद कर दी और अपने ही कमेंट के अंदर एक जवाब भी दे दिया है। उनका ये है कि उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम ये ईमान रखते हैं या मुस्लिम जो लोग हैं उनका ये ईमान है या ये उनकी ये सोच है। अब आप यहाँ पर देखें कि उन्होंने खुद हमारी मदद की है, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम्स का या मुसलमान हमारे भाई हैं उनका ये ईमान है। एक बात याद रख लें कि ये आपका ईमान है, लेकिन ये मसीहों का ईमान नहीं है, ये मसीहों का ईमान नहीं है। जिस बात को आगे जाके बात करते हैं कि खुदा ने बेटा जना, ये मसीहों का भी ईमान नहीं है। और ये आपकी बात, आप सोचते हैं कि शायद मसीही ये तसव्वुर करते हैं, मसीही ये तसव्वुर नहीं करते। इसलिए अच्छी बात ये है कि जिन का ये त्यौहार उनसे पूछा जाए, उनसे पूछा जाए कि आप क्या तसव्वुर करते हैं, आपका क्या ख्याल है, तो वो जब जवाब देंगे तो उम्मीद है कि वो एक फर्क जवाब होगा, क्योंकि इनके जवाब के अंदर ये बात वादे तौर पर नजर आ रही है कि ये मुस्लिम जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, ये उनका ईमान है कि जब वो मैरी क्रिसमस कहते हैं तो इसका मतलब है कि खुदा ने बेटा जना। लेकिन अगर आप किसी मसीही से पूछें, कोई माहिर जो मसीही है और जो बाइबल को समझते हैं, अगर हम उनसे पूछें, वो उनका बेशक वो ये आपको कहेंगे कि हमारा यकीन या ईमान ये नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम इस बात को समझें कि ये भी मसीहों का अकीदा या मसीहों का ईमान नहीं है कि मैरी क्रिसमस जब कहा जाता है तो ये तसव्वुर किया जाता है कि खुदा से बेटा से खुदा से जो बेटा है वो जना गया है, ये बिल्कुल उनका भी तसव्वुर नहीं है। तो इसके अंदर दूसरी चीज जो हम इसमें समझ सकते हैं वो इसी के ताल्लुक से है, वो ये है कि पहले ये समझ लें कि मैरी क्रिसमस का मतलब क्या है। इसको हम तीन अल्फाज में हम अलग अलग से समझ सकते हैं। सबसे पहले है मैरी, मैरी का मतलब है खुश होना, हैप्पीनेस, खुशी। दूसरा क्राइस्ट यानी मसीह, और तीसरा लव्ज है मैस। मैस का मतलब है गैदरिंग, इकट्ठा होना या एक हजूम जहां पर सब इकट्ठे होते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि मैरी क्रिसमस का मतलब ये है कि एक ऐसा हजूम जो मसीह के लिए इकट्ठा होता है, जो मसीह के लिए खुशी मनाता है, मसीह के आने की खुशी मनाता है, और मसीह की पैदाइश को याद करके उसके लिए खुशी मनाया जाता है, जब ये एक हजूम एक त्यौहार होता है जिसमें सब इकट्ठे होते हैं। तो हम मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है कि हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस
का मतलब ये है कि जब ये कहा जाता है तो इसका मतलब ये है कि एक हजूम है, एक ग्रुप है जिसमें सब इकट्ठे होते हैं, कॉन्ग्रीगेशन इकट्ठी होती है, गैदरिंग होती है और सब मिलकर खुदा के बेटे की यानी खुदा यीशु मसीह के आने की खुशी मनाते हैं। और दूसरी बात जो इनके कमेंट के अंदर पाया जाता है वो ये है कि खुदा के बेटे होने का तसव्वुर जो है ना वो भी समझाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात हमें समझना बहुत जरूरी है, अगर हम खुद समझेंगे फिर हम दूसरों को समझा पाएंगे। इसलिए हम अगली एक और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, उसमें सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा का बेटा बाइबल मुकदस में सिर्फ क्या मसीह के लिए ही इस्तेमाल हुआ या और भी लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, अगर हुआ है तो किन मानों में हुआ है, जो मानी ये समझ रहे हैं या जो ये बयान कर रहे हैं उसके मुताबिक है या इससे हट कर है। उम्मीद है कि ये बात हमें समझ आई होगी कि क्रिसमस मैरी क्रिसमस का तसव्वुर मुसलमान जो समझ रहे हैं वो नहीं है जो मसीहों में पाया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इस सवाल का जवाब दिया। मेरा ईमान है कि हमारे जो सुनने वाले मसीही खासतौर पर बहन भाइयाँ उनके लिए भी रहनमाई हुई होगी ताकि वो भी इस सवाल का जवाब जो है वो दे सकें कि हम मसीही लोग जो है वो क्रिसमस का मतलब जो है वो हम मसीहों के लिए क्या है और गैर मसीही जो है वो उसको किस तरह से समझते हैं। और हमारी आइंदा आने वाली वीडियो में हम मजीद तफसील के साथ सीखेंगे कि खुदा का बेटा होने से क्या मुराद है। और अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियो जरूर देखें ताकि आप मजीद इसके बारे में सीख सकें। इसी तरह से आप हमारी आने वाली वीडियोज को देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। शुक्रिया।